बार्बर के पास बाल कटाने गई थी तो उसने मुझे गलत टच किया, तो उस तरीके से मैं कुछ उसको मतलब जवाब नहीं दे पाई क्योंकि मैं बहुत कश्मीरा है। सबसे पहले हम आपके नाम से शुरू करते हैं, जैसे कि आपका नाम रुचिका सरियाल है, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अपने नाम का मतलब बता सकते हैं, और ये सरियाल आपका सरनेम है एंड आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? रुचिका का मतलब होता है एक सूची, जैसे कि हम एक सूचना देने हो या एक ट्री होता है जिसकी बहुत सारे टहनियाँ होती हैं, एक सूचना देकर टहन ऊपर जाते हैं, तो सूची का मतलब ये होता है। और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और करियाल मेरा सरनेम है उत्तराखंड से। आप अभी कहाँ रहती हैं और कौन सा गेम खेलती हैं? हाँ, मैं जूडो खेलती हूँ और मैं अभी हरियाणा में रहती हूँ, मेरी शादी हरियाणा में हुई है। हमने एक इंटरव्यू में देखा है कि आपके साथ बचपन में किसी नाई ने बैट टच करने की कोशिश की थी जिसकी वजह से आपने ये गेम चुना, क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ जी, एक्चुअली मैं पहले बॉय कट करती थी तो मैं बार्बर के पास बाल कटाने गई तो उसने मुझे गलत टच किया, तो उस तरीके से मैं कुछ उसको मतलब जवाब नहीं दे पाई क्योंकि मैं बहुत माइनर थी या छोटी थी, इन चीज़ों का पता भी नहीं था। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ ऐसे चीज़ें आनी चाहिए जिससे मैं अपना बचाव कर पाऊँ या मैं अपना डिफेंस कर सकूँ, और फिर मुझे थोड़ा फाइटिंग गेम में इंटरेस्ट आने लगा। फिर मुझे मतलब स्कूल्स में मैं बॉयज़ को मतलब मारने लगी कि भाई मैं भी स्ट्रांग हूँ, ऐसे करके हम बहुत फाइट करते थे स्कूल में। और फिर उसके बाद मैंने जूडो मतलब चूज़ किया, और जूडो करने से मुझे महसूस होता है कि मैं एक बहुत ही स्ट्रांग गर्ल हूँ और एक कॉन्फिडेंट भी बढ़ता है। ऐसा तो नहीं कुछ बोला क्योंकि हम पहले फोर सिस्टर थी तो, और वैसे भी मैं बॉय कट रही थी तो लड़कों की तरह रहना, घर वाले भी मतलब मुझे बॉय की तरह ही रखते थे, हाँ भाई हमारा एक ही लड़का है, चाहे मैं मतलब मैं लड़की थी, वैसे हम फोर सिस्टर थी तो मुझे घर वालों ने सपोर्ट किया कि हाँ इसको करने दो, वैसे भी लड़ाई झगड़ा करती रहती है, गेम में जा रही है ठीक है, थोड़ा सा वहाँ शांत रहेगी, इसका माइंड थोड़ा सा शांत रहेगा, कम लड़ाई झगड़ा करेगी, वहाँ जाके थक के आ जाएगी, यहाँ कम लड़ेगी, तो उन्होंने घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया। क्या अभी कोई लड़का या लड़की जो ये गेम खेलना चाहता है तो क्या उसके इससे ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम की दूर हो सकती है, या गवर्नमेंट का कैसा सपोर्ट है इस गेम को लेकर? गवर्नमेंट का सपोर्ट तो है हमारा, मतलब पहले तो हमको इन्वेस्ट ही करना पड़ता है हर चीज़ के लिए, ऐसा नहीं है कि हमें अगर हम कोई गेम कोई सा भी अदर गेम हो कि हम हमारे मतलब लिखा तो है नहीं कि हमने इस गेम में जाना है, वो तो एक इच्छा होती है कि हाँ मुझे करना है तो। और सपोर्ट पहले तो नहीं करते हैं, बाद में करते हैं जब हम थोड़ा अचीवमेंट ले आते हैं या नेशनल मेडलिस्ट हो जाते हैं या इंटरनेशनल हो जाते हैं, उससे मतलब उसी टाइम पे हमें सपोर्ट मिलता है, लेकिन पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मतलब जूडो ड्रेस नहीं मिल पाती है या मतलब किसी सेंटर में ट्रेनिंग करना है, उसकी फ़ीस वो लोग मतलब हैंडल नहीं कर पाते उनके घर वाले। और मतलब अभी थोड़ा ये है कि मतलब खेल इंडिया आ गया है ना, जो मतलब बच्चों को सपोर्ट करती है, पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, पहले बहुत कम था इन चीज़ों का, अभी थोड़ा सपोर्ट है और हाँ मतलब कर लेते हैं बच्चे मैनेज, सुबह स्कूल जाना है फिर शाम को अपना जूडो करना है। अपने जूडो गेम के बारे में कुछ बताइए, ये गेम कैसे खेला जाता है और इसको खेलने के लिए क्या कुछ इक्विपमेंट की जरूरत होती है, और अगर किसी को खेलना है तो उसके लिए दिल्ली के अंदर वो कहाँ खेल सकता है ये गेम प्रैक्टिस के लिए? जो गेम है हमारा जूडो, ये दिल्ली में आप दादा देव अकेडमी है पालम में दिल्ली में, वहाँ पे जा सकते हैं, वो एक मंदिर है उधर, मतलब हमारे जितने भी सीनियर्स हैं और वहाँ से जितने भी अच्छे प्लेयर्स निकले हैं उन्होंने मिलके उस मंदिर में एक जूडो का किला खोला है, और उसमें भी फीस भी बहुत मतलब मे बी शायद 1 मंथ का 100 रुपीज़ है, वो भी जो मंदिर को जाता है और जो भी उनका मतलब वो होता है मतलब का जो भी टूट या फूट उन चीज़ों के लिए, और आप दिल्ली पालम में जा सकते हैं के लिए। और इक्विपमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जैसे बेसिक आप पहले स्टार्ट करते हैं तो आपको सिर्फ एक जूडो ड्रेस ही खरीदना होता है, फिर धीरे धीरे अगर आपको इंटरेस्ट आता है हाँ 1 महीना 2 महीना करने के बाद कि हाँ मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो तभी आप इस चीज़ को करें, पहले
ये नहीं कि हाँ मैंने ये भी ले लिया वो भी ले लिया और फिर उसके बाद देश चला गया। अगर आपको मन है, इच्छा है, तो आप जूडो रेस्ट लें और फिर प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को करें जूडो को। और जूडो एक फाइटिंग गेम है, तो इतना मतलब इसमें नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब रनिंग वनिंग करना है या सचिन वगैरह। आप इसमें सिर्फ अगर जूडो है तो सिर्फ आप जूडो ही कर सकते हैं, ऐसे बॉक्सिंग वगैरह नहीं है, किक नहीं है। आप ड्रेस पकड़ के आपको थ्रो लगाना है और यही हमारा जूडो का। आपको क्या लगता है आने वाले 10 सालों में जूडो को आप कहाँ पर देखते हो? क्या ये गेम भी बॉक्सिंग और बैडमिंटन और बाकी दूसरे गेमों को मैच कर सकता है? हाँ, अभी हमारे जूनियर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, अभी वर्ल्ड चैंपियन भी बने हैं हमारे जूनियर के बच्चे और एशियन चैंपियनशिप में भी मेडल्स लेके आ रहे हैं। जैसे कि कॉमनवेल्थ में भी हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, एशियन गेम्स की तैयारी चल रही है और ओलंपिक में भी हमारा मतलब है बहुत अच्छे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ आने वाले टाइम पे मतलब 10 सालों में हमारा गेम में भी थोड़ा अगर हमें और सपोर्ट मिले गवर्नमेंट से तो हाँ हम कम्पीट कर सकते हैं। अदर गेम्स अभी हाल ही में आप हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद, कुछ उस लम्हे के बारे में बता दीजिए। हाँ, बहुत ही प्राउड फील हो रहा था, मतलब मेरा एक ड्रीम ही था कि मतलब मैं नरेंद्र मोदी जी से मिलूँ कि हाँ एक बार मतलब हमारा इंट्रोडक्शन हो। तो हम मिली तो मुझे बहुत ही प्राउड फील हुआ, बस ये मतलब हार्ड लग गया, बैड लग लाल उस टाइम पे मेरा मेडल मतलब मिस हो गया था। अगर मेडल होता तो थोड़ा और रिस्पॉन्स मिलता और तरीक़ों से कि हाँ से थोड़ा और बातचीत हो पाती, पर इतना नहीं। हाँ, उन्होंने आके हमारे साथ मतलब इंट्रोडक्शन किया हमारा, मिला, हम लोग मिले, फोटो वगैरह खिंचाया, तो बहुत ही मतलब प्राउड फील था। आई होप आपको फ्यूचर में भी ऐसे मौके मिलते रहे। लॉकडाउन में आप रोडीज भी गए थे, कैसा था वहाँ का आपका एक्सपीरियंस एक एथलीट के तौर पर? अच्छा था, थोड़ा सा मतलब उन लोगों के मुँह से अपनी तारीफ सुनना में अच्छा लग रहा था कि हाँ मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग लड़कियाँ भी हो सकती हैं। मतलब हमारे ऐसा होता है कि लॉकडाउन नहीं होता तो मे भी शायद मैं नहीं कर पाती वो चीज़ को, क्योंकि हम कुछ करने के लिए था ही नहीं, तो सोचा चलो यही कर लें, कुछ तो करें, बैठे बैठे घर में बोर हो रहे थे, तो चलो ठीक है कर लो यही। तो उन लोग बोलते थे कि हाँ आप बहुत स्ट्रांग हो मतलब गेम से हो, तो मैंने वहाँ पे बहुत ऐसे ऐसे लड़कों को भी बीट किया जैसे बहुत जो मतलब मस्कुलर थे, बहुत फिट थे, तो अच्छा फील हुआ मतलब उनके साथ कॉम्पिटिशन करने। आपकी लाइफ का कोई इंस्पिरेशन है जिसे देखकर आप कहते हो कि मुझे इनके जैसे ही बनना है? बनना है मुझे, मैरी कॉम दीदी है हमारे बॉक्सर हैं, उनको देख के थोड़ा सा होता है कि इनकी तरह बनना है, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव देखा है और हम भी उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, साथ में कैंप भी लगाया है, उनका नेचर भी बहुत अच्छा है, एकदम बच्चे की तरह हम लोग को ट्रीट करते हैं, तो मैरी कॉम की तरह मैं बनना चाहती हूँ, क्या कोशिश कर रही बनने की। वही मतलब सेल्फ डिफेंस के लिए मैं ज़्यादा लड़कियों को सपोर्ट करना चाहती हूँ इस चीज़ के लिए कि वो लोग मतलब ज़रूरी नहीं है जूडो ही करें, कोई भी सेल्फ डिफेंस वाला अपना गेम चूज कर सकते हैं कि कल को हम मतलब किसी से कमज़ोर महसूस ना करें, हम भी मतलब कर सकते हैं, अपना बचाव तो कम से कम हम लोग करें। कि जब मैंने जूडो चूज किया या मतलब जूडो खेलना स्टार्ट किया तो मुझे खुद ही अपने आप में बहुत ज़्यादा अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, या मुझे कोई देखता है तो लगता है कि हाँ मुझे देख रहा है तो इसका मतलब कुछ ना बात मतलब मेरे में स्ट्रॉन्गनेस तो है कि मुझे देख रहा है वो करके, और ऐसी कोई हरकत ना करे कि कल को मैं खुद ही मतलब अपने अंदर से घुट घुट के मर जाऊँ या ऐसे मैंने कल को कुछ इसका जवाब नहीं दिया। तो इसीलिए मैं एक अकेडमी खोलना चाहूँगी कि कल को लड़कियों को अगर जूडो सीखें अपना सेल्फ डिफेंस करें और आगे तक अपना मतलब इंडिया भारत का नाम रोशन करें, जूडो में मेडल लाएं, क्योंकि जूडो से प्यार है जी। ये तो लड़कियों के लिए एक अच्छी इंस्पिरेशन बन जाएगा। हाँ, आपका आगे का क्या प्लान है और उसकी तैयारी के लिए आप क्या कर रहे हैं, इसकी तैयारी कैसी चल रही है? अभी तो अच्छी चल रही है, आगे ये है कि अभी हमारा एशियन गेम्स है, उसमें मेडल मारने लेना है मुझे, क्योंकि अभी कॉमनवेल्थ में मिस हो गया, तो कोशिश यही है कि एशियन गेम्स में मेडल लेके आऊँ और ओलंपिक तक मैं
ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। आप यंग बच्चों को कोई सजेशन देना चाहेंगे जिससे वो भी हमें देखकर अपना नाम रोशन कर सके जैसे आप कर रहे हैं? जरूरी नहीं है कि गेम में ही आप इंडिया का या भारत का नाम रोशन करें, स्टडी भी आप कर सकते हो और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो जिसमें आपको मतलब रुचि हो या आपको लगता हो कि मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि हम किसी को ज़बरदस्ती तो हम करा नहीं सकते कि अगर कि भाई गेम ही करो। बस यंग लोगों के लिए यही है कि अगर आपको कुछ भी करना है चाहे वो स्टडी हो या पढ़ाई मतलब गेम हो या पढ़ाई, तो एक गेम लेके करें, इससे उनको भी अच्छा मतलब आगे बढ़ने के लिए मौका मिलेगा और सपोर्ट तो अभी मतलब कर ही गई हमारे को। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़कर। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ऑल योर अचीवमेंट्स और ऑल द बेस्ट आपको आगे के लिए।